अग्निपथ स्कीम को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। इस विरोध की शुरुआत बिहार से हुई है। असलियत में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बिहार का युवा खासा नाराज़ है, महीनों की मेहनत की है, प्राइम टाइम शोज हो चुके हैं, जीरो टीआरपी एंकर्स लगातार इस बात की दलीलें दे रहे हैं कि युवाओं के भविष्य को अग्नि में फेंका जा रहा है। एक दूसरा पक्ष भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, आज उस पक्ष को भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के एक युवा हैं रजनीकांत, जो कि सरकारी नौकरियों की ही तैयारियां करते हैं। रजनीकांत जी, बिहार से आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, इस अग्निपथ स्कीम को किस तरीके से देखते हैं? मैं तो इसे बहुत अच्छा मानता हूँ और मुझे लगता है कि अगर आप पहले भी देखें तो जो सेना का जो भी कार्य योजना थी उसमें भी आप देखते थे कि 32-34 रिटायरमेंट एज होती थी सेना के, तो मुझे लगता था कि तब उनके लिए जैसे 100 लोग अगर आते तो मुश्किल से 10-15-20 लोग जॉब कर पाते थे, उतनी क्षमता बचती थी उनके पास। 18-20 साल वो जॉब करते थे, उसके बाद फिर वो आते तो वो भी तैयारियां करती थी, उनको जो रिलैक्सेशन वगैरह मिलते थे तैयारियां करते थे, उसमें 15-20 लोग। मुझे लगता है कि अब कहीं बेहतर होगा। एक तो रोज़गार का जो प्रॉपर जो फॉर्मेट बनेगा, युवाओं को काफ़ी कम उम्र में मौके मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, हालांकि आज भी एज यही है, पर इससे फ़ायदा ये होगा 21-22 साल या 25 साल की उम्र तक किसी के पास 12-15 लाख रुपए आ जाना, उसके बाद लोन के लिए एक्सेसिबल होंगे, वो 18 लाख रुपए तक लोन मिल सकता, तो स्वरोजगार में वो जा सकते हैं। अगर उनकी फिर भी इच्छा होती है कि वो आगे तैयारी करें, तो ऐसी कोई उम्र वो नहीं खो सकते हैं, या फिर इतने साल उस प्रोसेस में नहीं रहे हों, कट के नहीं रहे हों सवाद से, वो 4-5 साल में वो वापस से कवर अप करके नई नई जो परीक्षाएं हैं, जो गृहमंत्री जी द्वारा बताया गया है कि ये जो CAPF और ये सब जो परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी में वो लग सकते हैं, उनको वरीयता दी जाएगी उन परीक्षाओं में, तो उनके पास ज़्यादा मौके होंगे। फिर मेरी समझ से बहुत अच्छा स्कीम है, 2-2.5 साल सेना ने जैसा बोला कि जो बहुत प्लान बना के इनके लिए अच्छा। इसके अलावा ये कितना वेल प्लान्ड है, ये आप इससे भी प्लान देख सकते हैं कि कोर्सेज बकायदा इसके लिए चलाया जा रहा है। इग्नू से MOU साइन किया है तीनों सेनाओं ने, और जो विद्यार्थी वहाँ जाएंगे उनको ऑटोमेटिक कोर्सेज उनके हिसाब से डिजाइन किए जाएंगे, उस हिसाब से अपना स्किल डेवलप करके आगे अपना चला सकते हैं। अच्छा, अगर एक चीज़ से देखा जाए, 17-21 साल का युवा आमतौर पे पढ़ाई लिखाई करता है, और यूपी बिहार के लोग जहाँ पे ये प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिल्ली आके BTech वगैरह में दाखिला लेते हैं, अन्य कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं, उसमें वो पैसा देते हैं, यहाँ पे उनको उल्टा वापस पैसा मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्या बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही? मुझे जहाँ तक समझ में आती है, ये जो परिपाटी नहीं बन चुकी है, इसका ये जो विरोध प्रदर्शन दंगे फसाद है ना, इसका जो लेना देना मुझे नहीं लगता किसी एक खास फैसले से। एक वर्ग है जो सरकार के किसी भी फैसले को लेकर विरोध दर्ज कराता है, वो वही है। आप सरकार नहीं बोल पाएगी या लोग नहीं बोल पाएंगे, संख्या काफ़ी कम होती है, चाहे आप पिछले कितने भी आंदोलन की ले लो, जो मुख्य रूप से योजना के जो लाभार्थी हो सकते हैं या फिर जिनको अफेक्ट कर सकती है योजना, उन पे वो लोग कम होते हैं इन प्रदर्शनों में, और ज़्यादा लोग वो होते हैं जो किसी विचारधारा से, खास विचारधारा से जुड़े होते हैं। मैं खुले तौर पर देख सकता हूँ कि बहुत ये सच है, बिल्कुल सच है, जो लोकल लोग होते हैं कहीं के भी, वो खुद साफ साफ बता सकते हैं कि किस टाइप के लोग ये सब आग जला रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो एक भीड़ आती है, जैसे अब बिहार की बात करें, हर कोई जानता है कि इसके पीछे विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के खिलाफ अपना हित साध रही है, तो इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। बाकी मुझे योजना में कोई कमी नहीं दिखती, ठीक है। हाँ, इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर दिक्कत हमेशा हो रही है सरकार के साथ। हमारे यहाँ एक कहावत है, अब दूसरों पे तो नहीं बोल सकते, कि केकरा पे करी सिंगार, पिया मोरे आंधरवा। अगर खामियां सरकार के इम्प्लीटेशन में ही हो रही है, वो कोई भी योजना लेके आ रही है, CEO या किसान आंदोलन हो या अग्निपथ हो, अग्निवीर हो, तो हर जगह अगर विरोध वो नहीं रोक पा रही है, सही से नहीं दबा पा रही है। अब किसी भी प्रकार का मानता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें पे यहाँ पे खामियां ये हो सकती है कि जैसे एयरफोर्स के कुछ बच्चों ने क्वालिफाई किया, पिछला जो एग्ज़ाम हुआ उसको क्वालिफाई करने के उपरांत तो उनका बस अब ज्वाइनिंग लेटर आने का प्रोसीजर बचा हुआ था। अब सरकार ने कह दिया कि उन्हें भी वापस से अग्निपथ के थ्रू आवेदन करना होगा, फिर वो जाएंगे। तो ये गलत है, मेरे समझ से गलत है। आप इतनी मेहनत करते, कोई भी बच्चे, मैं जैसे और मानू बोलूँ तो मैं BPSC का एग्ज़ाम दे के आया, मेरी क्या गलती थी, आपने ढंग से नहीं किया। तो इन चीज़ों पर सरकार को होना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा, सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी ओर कुछ भी हो जाए, किसी भी, मैं
कहीं किसी की गाड़ी नहीं जला सकता, कहीं किसी पे पत्थर नहीं मार सकता, ये कहीं से भी सही है ही नहीं, चाहे कितना भी गलत हो जाए। अगर मैं मान लेता हूँ कि सरकार के प्रति आप बहुत उग्र हो गए, सरकार के खिलाफ बहुत उग्र हो गए, तो आप किसी राह चलते की गाड़ी नहीं जला सकते। अच्छा, एक चीज़ SFI है, ASA है, AISF है, इन लोगों ने भारत बंद का आयोजन किया हुआ है, आज गिरफ्तारियाँ भी अपनी दी है, बहुत पीछे अगर जाएं तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनके इंडियन आर्मी के प्रति, इस पर क्या कहना है? तो ये अपने आप में आप सब, हम सब देखते हैं उनका स्टेटमेंट क्या आता है इंडियन आर्मी के प्रति, फिर वो कितने संवेदनशील हो जाते हैं, अपने आप को संवेदनशील दिखाते हैं, तो उनका दोहरा रवैया सब जानते हैं। मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये कोई उस तरीके की बात नहीं, यहाँ छिटपुट कम्युनिकेशन है, मैं भी मानता हूँ, मैं सरकार के समर्थन में रहूँ या विरोध में रहूँ, लेकिन मैं खुलकर बोलता हूँ कि अगर ये 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिला, जैसे 2 साल से जो वैकेंसीज नहीं आई थी उसके खिलाफ विरोध हो सकता है, लेकिन उग्र नहीं हो सकता। शांत, आप ज्ञापन सौंपिए, जाके अपने CM से मिलिए, अपने गृह मंत्री से मिलिए, हर जगह जाइए, आप ज्ञापन सौंपिए। अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप इतना रिस्क लेके आग लगा सकते, प्रदर्शन कर सकते, तो इतना धैर्य और इतना तो होना ही चाहिए आप में हिम्मत कि आप दिल्ली पहुँच के घेरिए, दिल्ली पहुँच के घेरिए जो संबंधित लोग हैं उनको। लेकिन ये जो नाटक होता है, एक नौटंकी हो रही है शुरू से ही, कुछ भी आएगा कुछ भी। अच्छा, आप बदलाव की बात करते हैं, मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता, बिना किसी चीज़ को बदले बदलाव कैसे आ सकता है? अगर सरकार बदलाव ही ना लाए कोई स्कीम में किसी चीज़ में, तो बदलाव फिर आएगा कहाँ से? तो जाहिर सी बात है, कदम बढ़ाएगी, कुछ खामियाँ होगी, कुछ अच्छाइयाँ होगी, इस पर चर्चाएँ होनी चाहिए। और अगर मैंने आपको पहले ही बोला कि ज़्यादा मौके होंगे युवाओं के पास, मैं तो मानता हूँ कि अगर मेरी उम्र में ये आता स्कीम, मैं पटाख से जाता। NCC में मेरे बहुत सारे दोस्त मुफ्त में जाते हैं ताकि उनको बाद में सेना में रिलैक्सेशन मिल सके। आज यहाँ से आपके लिए इतना अच्छा सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक स्टिपेंड होगा, पैसे आएंगे, आप अपने पैरों पे खड़ा होंगे, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ समझ में आएगी आपको, देश के लिए आप क्या कर रहे हो आपको खुद समझ में आएगा, और जल्दी जल्दी वैकेंसी जाएंगे, फिर ज़्यादा से जल्दी जल्दी जो भी वैकेंसी जाएंगी वो फिल किए जाएंगे। इस तरीके से आप दुनिया भर की आर्मी को देखो, जो भी विकसित राष्ट्र हैं वो इस तरीके का फॉर्मेट पहले से भी अपनाती हैं, वो चाहती है कि अब जो हमारी आर्मी वो टेक से भी हो, वो सिर्फ अब मानसिक रूप से भी टेक्निकल रूप से भी आपको हावी होना पड़ेगा। जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे जिनका ये ब्रेन चाइल्ड बोला जाता है, ये हमारे बिपिन रावत जी, उन्होंने पहले भी कहा बहुत सारे फॉर्मेट हैं, वो 2.5 मोर्चे की बात चाहे की हो, हम देख रहे हैं खतरा है हमारे साथ, रोज़ लड़ाइयाँ हो रही इधर उधर यहाँ पे, तो हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में बात करनी है कि 25% लोग तो आगे भी प्रमोट होंगे ही, इसके ऊपर क्यों चर्चा नहीं हो रही है? नरेटिव जैसा बनाया जाएगा चर्चाएँ वैसे ही होगी। अब मैं बात कर रहा था अपने एक फ्रेंड से, वो बड़ा ही अच्छा जाइब था उनका, कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे पूछ लो अग्निपथ क्या है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऋतिक रोशन वाला या फिर अमिताभ बच्चन वाला। तो ऐसी चीज़ें वीडियोस में भी आ रही है, फुटेज में भी आ रही है। आप सब जानते हैं कि 25% लोग आगे बढ़ के जाएंगे, उसी में से वो प्रॉपर परमानेंट बेसिस पे जॉब करेंगे, जिनको नहीं करना होगा या जो उस तरीके से सक्षम नहीं होगा उनके लिए आगे रहेंगे, स्टेट की सेवाएं हो, जो पुलिस सेवाएं हो उनमें उनको वरीयता दी जाएगी। कई सारे राज्यों ने घोषणा कर दिया, आपके पास इतने अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको जॉब ही करना है तो 32 में रिटायर होने की, अच्छा 60 में रिटायर हो लो, पैसे वैसे आपके पास सब कुछ होंगे, आप सेवा ही करेंगे देश से। BSF में जाके देश सेवा नहीं होगी क्या? BSF, CRPF, CISF में भी जाओगे तो देश सेवा ही होगी, तो आप करो ये। लेकिन अगर ज़बरदस्ती, वही बात है कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, जो नाटक कर रहे हैं उनको आप क्या जगा दोगे? तो पूरा एक नरेटिव बिल्ड किया गया, अच्छी चीज़ों को दबाया जा रहा है, इस तरीके 4 साल में रिटायर, हर बात में प्राइवेटाइजेशन की जिद, एक अंबानी को बेच दिया, अडानी को, एक नरेटिव इसी तरीके से झूठ मूठ का बिल्ड किया जाता है। लेकिन देखो, चुनावों में इसका खास फर्क होता नहीं, उनको जनता सब जानती है, और चुनावों में उनको परिणाम जो आता है वो दिख जाता है किसके पक्ष में आता है। हुल्लड़बाजी करने के लिए 20 लोग 100 लोग हर जगह काफ़ी होते हैं, हम जैसे 10 लोग 5 लोग साइड से निकल जाएंगे या मुंह से विरोध प्रदर्शन कर देंगे, पत्थर नहीं उठा लेंगे, आग जगनी नहीं कर सकते, हम भी युवा हैं, हम भी देश के ही हैं। जो भी इल्ज़ाम लग जाए हम पे कि सरकार के पक्ष में हो या सरकार के खिलाफ हो, मैं सरकार के खिलाफ भी बोलता हूँ, बोल भी रहा हूँ, इनफैक्ट जहाँ 2 कमियाँ मुझे नज़र आ रही है मैं बोल रहा हूँ। एक चीज़ और बड़ी कमी नज़र आ रही है कि चाहे वो आर्मी एयरफोर्स की XY कैटेगरी वाली जॉब हो, चाहे वो नेवल की कुछ जॉब्स हो, इसको लेकर कन्फ्यूज़न क्रिएट है कि क्या वो जिंदा रहेंगी या मर जाएंगी, मतलब कि गवर्नमेंट ने पूरा
स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं किया, इस वजह से भी ये कियोस्क क्रिएट हुआ है। सरकार की एक कमी ये मुझे नज़र आती है कि वो जब भी कोई योजना ला रहे हैं ना, तो वो योजना की जगह ऐसे ला रहे हैं कोई ब्रेकिंग न्यूज हो गया। ये एक बहुत बड़ी खामी, मतलब एक 2016 से वो नोटबंदी से ही आपको देखते हैं जो भी वो अचानक से ब्रेक कर रहा है। हालांकि इस पर चर्चा थी पर इतने ज़ोर शोर से नहीं थी अब, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि जब सेना ने क्लियर किया है कि जैसे होता था जिस तरीके से, मुझे मैंने जहाँ तक पढ़ा जितने भी स्टेटमेंट्स मैंने अध्ययन किए हैं उसमें सब में यही लिखा कि जिस तरीके से जिस जो भी फॉर्मेलिटीज होती थी जाने की वही सारी चलेंगी, बस इसका नाम अग्निपथ कर दिया गया इसे 4 साल। और इसका और अलग भी मुद्दे हैं इसके, जैसे लोग कहते हैं कि पेंशन को कम करने, पेंशन का बोझ बिल्कुल 100%, तो ये देश की जिम्मेदारी आपका क्या जरूरी थोड़ी है। आपको अगर पेंशन के साथ और भी अतिरिक्त चीज़ें मिल रही है, देश के लिए हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर कुछ छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ेंगे। लोग कह रहे हैं कि अटल जी ने वन रैंक हटाई, मतलब वन रैंक वन पेंशन हटाई, और मोदी जी ने सेना ही हटा दी। मेरा कहना है जो लोग ये कह रहे हैं वो भी किसी सरकार से ताल्लुक़ रखते होंगे, किसी को तो वोट देंगे। मोदी जी को गए, अटल जी को गए हुए 10 साल हो गए थे, बीच में जो आए उन्होंने लागू कर दिया, तो बहुत सारी चीज़ें अभी OROP जो भी है इस कार पिछले कार्यकाल में भी बहुत कुछ हुआ इसके ऊपर काम। और सबसे बड़ी बात, जो लोग सेना को गाली देते थे, जो लोग सेना को गाली देते थे उनके मन में इतनी इज्जत सेना को देख के, ये भी अपने आप में एक संतुष्टि का बोध दे रहा है कि चलो वो सेना की इतनी चिंता तो है। हालांकि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से सेना के प्रति कितनी संवेदनशीलता लोगों में भी जागी है और सरकार में भी जागी है। ऐसे ही नहीं देखते आप कि हर कोई प्रधानमंत्री हो, कभी गृह मंत्री हो, कभी रक्षा मंत्री हो, आपको हर सेना के साथ आपको देखेंगे मनाते हुए, तो संवेदनशीलता बहुत अच्छे से देखने को मिल रही है। कुछ कुछ योजनाएं आएंगी, विरोध होगा, मुझे मेरा जो विरोध है वो प्रदर्शन के तरीके पे है। आप विरोध करिए, आप सरकार के दूसरे पक्ष में हैं, आपको मौका चाहिए, आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इस तरीके से मत करिए और कार्य योजना समझने की कोशिश करिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे अपने आसपास के जो भैया भैया करते हैं मुझे और जो बात करते हैं मेरे से शिक्षा रिलेटेड, वो भी विरोध कर दे, पहले उन्होंने विरोध कर दिया, अब जब उन्हें समझाता हूँ तो वो कहते हैं तो बहुत अच्छा। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग चाहिए जो समझा सके लोगों को। क्या ऐसा लग रहा है कि ये जो विरोध है वो अग्निपथ का विरोध था ही नहीं, सिर्फ नाम बदल दिया गया है, जो इससे पहले मुद्दे हुए थे, चाहे वो हिजाब वाला विवाद हो, चाहे वो लाउडस्पीकर वाला विवाद हो, और अंत में जो नुपुर शर्मा वाला विवाद हो, तो बस कपड़े बदल दिए गए, रंग बदल दिए गए, चीज़ वही है। मैं 1001% कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है कि ये सारे चीज़ों को इंक्लाइन करके एक में जोड़ के और टारगेट किया जा रहा है, बस एक सरकार विरोधी एक धड़ा चलता है उनका काम है ये, नहीं तो क्या काम है भैया कि आप इस विरोध प्रदर्शन में सब भगवा गमछा मुंह पे लपेट के कर रहे हैं ये काम। हम अंधे नहीं हैं, हमें भी लोगों को पता चलता है कौन क्या कर रहा है। 30 साल 32 साल कोई पैर से लाचार है, उसको सेना से क्या लेना देना, मतलब सेना की दौड़ से वो तो पहले ही बाहर है, वो डंडे उठाकर वो बस के शीशे तोड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें। कोई बोल रहा है कि फलाने भैया ने बुला लिया तो हम आगे, हमें जानकारी नहीं है, तो ऐसी ऐसी वीडियोज़ भी देखे हैं, बहुत चीज़ें मैं नंगी आंखों से देख सकता हूँ। मैं भी बिहार से हूँ, मुझे भी समझ है बिहार में क्या होता है, मैंने अनुभव किया है 2013 के बाद की बिहार की राजनीति और 13 से पहले की राजनीति का। एक खास बिरादरी, एक खास जाति है, मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ने लगे थे 2005 से 13 के बीच, मेरे साथ मेरे स्कूलों में पढ़ते थे, वही 2013 के बाद से जैसे ही नीतीश जी वापस से गए, वो वापस से इन्हीं सब चीज़ों उल्लड़बाजी में लग गए। आज भी मैं देखता हूँ अपने उन्हीं साथियों को, कई को देखता हूँ, उनके छोटे भाइयों को देखता हूँ, बाइक लेके निकल जाते हैं कहीं भी रैला रैली करने, फिर कहते हैं शिक्षा नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही, तो दिक्कत तो होती है, उस स्पष्ट आंखों से देखा जा सकता है। आप किसी भी सेन इंसान से जाके पूछ लीजिए जहाँ दंगा हो रहा है, किसी भी दुकान से जहाँ पे जिनके सामने हो रहा हो, वो आपको खुलेआम बता देंगे फलाना फलाना पार्टी से संबंधित है, फलानी जाति का है, और फलाना इसके मनोवृत्ति ये है, ठीक है, इस चीज़ का विरोध प्रदर्शन करना इस चीज़ का, बस उतना ही अर्थ रह गया इन विरोध प्रदर्शनों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए।